हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए साल के मौके पे अंगूरी रसमलाई या छेना खीर कुछ भी कर लीजिए। तो आज हम लोग वो रेसिपी बनाएंगे जो बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनता है, और आप इसको बना के सभी परिवार का मुंह मीठा कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर वो दूध फुल क्रीम ही होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले एक अच्छा उबाल आने देते हैं। तो देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है। तो मैंने 2 टीस्पून विनीगर लिया है और उसमें उतना ही पानी डाल दिया है। तो अब इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके विनीगर को डालना है। तो इस तरीके से विनीगर को डालना है। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप नींबू का जूस से भी आप दूध फाड़ सकते हैं, यानी 1 नींबू का जूस लगेगा। तो इस तरीके से देखिए डालते हैं, ये बहुत जल्दी फट जाता है। और गैस को बंद कर देना है। कि मैंने एक छन्नी पे कपड़ा लगा दिया है। तो इस तरीके से पनीर को डाल देना है इसमें। जितना एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें निकल जाएगा। तो देखिए मैंने सभी को डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालना है ताकि इसका खट्टापन भी निकल जाए और अच्छे से ये धुल भी जाए। तो ये देखिए अच्छे से धो दिया है। अब आपको इस तरीके से बांध करके इसको अच्छे से हैंग करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। दूध लिया है 700 ml, और दूध को इतना पकाना है कि आधा रह जाए, नहीं इतना गाढ़ा हो जाए। तो इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है दूध। तो दूध पकते पकते आधा हो गया है। इसको 10 से 12 मिनट लग गया है इसको गाढ़ा होने में। तो अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें 4 से 5 काजू कटे हुए, और पिस्ता 2 से 3, 4 से 5 बादाम, और 2 से 3 हरी इलायची। ये सभी को मिक्स कर देना है। 100 ग्राम के करीब चीनी। मीठा आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, केसर फूड कलर। अगर आप को इच्छा है तो डाल सकते हैं, नीचे पूरी तरह से ऑप्शनल है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसमें एक उबाल आने देते हैं और ये हमारा रबड़ी जैसा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो अब गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने लेना है। मैंने इसे कपड़े से निकाल दिया और बहुत अच्छे से इसमें से पानी निकल गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए अच्छे से। अब इसको हथेलियों से मसल मसल कर बहुत सॉफ्ट सा एक डो तैयार करना है, और इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। बस इस तरीके से अच्छे से मसलना है इसको। तो ये देखिए इसको मसलते हुए पूरे 7 से 8 मिनट हो गए। बहुत अच्छे से ये डो जैसा बन के हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। अब इस डो से बिल्कुल इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा नहीं। और देखिए इस तरीके से सभी को इसी तरीके से तैयार करना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो ये देखिए सभी को मैंने अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। पैन लिया है, इसमें 300 ग्राम के करीब चीनी डाल रही हूँ, और ठीक इसके 3 गुना पानी यानी 900 ml, और इसमें एक उबाल आने देना है। तो इसमें चीनी भी अच्छे से घुल गया है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। तो इस तरह से सारे बॉल्स को इसमें डाल देना है। अब इसको ढक देने हैं और 10 मिनट के लिए इसको पका लेना है। तो 10 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए साइज़ में भी अच्छे से ये डबल हो गया है, और ये बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये देखिए कितना परफेक्ट पका है ये हमारा। तो बहुत इजी है, आपने देखा है इसको बनाना। तो अब गैस को बंद कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो गया है, तो थोड़ा सा ही ठंडा हो गया है। तो इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है यानी जूस है उसको इस तरह से निकाल लेना है, और जो हमने दूध बना के रखा था ना उसमें इसको डाल देना है। तो सभी को इसी तरीके से निकालना है जूस में से और इसमें डाल देना है। तो ये देखिए मैंने सभी को इसमें डाल दिया है, और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, क्योंकि इसका मज़ा जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाता है तभी खाने में आता है। तो इसको आप 1 से 1.5 घंटा आप नॉर्मल टेम्परेचर में, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसको ज़्यादा ठंडा करके ना खाएं,
ये नॉर्मल आप वैसे ही छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से ठंडा हो देखिए जाएगा। बन बनके हमारा रेडी हो गया और ये ठंडा भी हो गया है और खाने में इतना टेस्टी है। तो आप लोग इस नए साल पे ज़रूर इसको बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। आपको दिखाती हूँ कि कितना जूसी है और कितना सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए बहुत आसान है बनाना। तो फ्रेंड्स आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।